सीएम पंक आज जो रॉ ही थी ना उसमें बैक स्टेज स्पॉट करे गए हैं। वाकई उनको लेकर के बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। और भी WWE से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो में, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विंस मैकमैन से। विंस मैकमैन ने आज हुए रॉ के एपिसोड के स्क्रिप्ट में काफ़ी कुछ चेंज करा, वो भी रिमोटली, मतलब कि वो शो पे बैक स्टेज या एरिना में मौजूद नहीं थे, बट उन्होंने बैठे बैठे काफ़ी कुछ आज की स्क्रिप्ट में एंड टाइम पे चेंजेस करे गए हैं और उनकी रिक्वेस्ट को माना भी गया और काफ़ी सारे चेंजेस करे भी गए। अब इसे ट्रिपल एच का शो कहें या विंस मैकमैन का समझ नहीं आता है। एक तरफ विंस मैकमैन ये बोलते हैं कि मैंने पूरी तरह से हैंड ओवर ट्रिपल एच को दे दिया है, जो कुछ होगा अच्छा होगा बुरा होगा उसके लिए ट्रिपल एच रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन फिर जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि विंस मैकमैन एंड टाइम पे काफ़ी कुछ चेंज कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने मैचेस के फिनिश और सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा काट छाँट करी है। अब किसमें ऐसा हुआ है किसमें नहीं हुआ है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये मानिए कि विंस मैकमैन ने काफ़ी कुछ आज छेड़छाड़ करी है। वहीं बात कर लेते हैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के बारे में। जैसा कि आज ट्रिपल एच ने रॉ के एपिसोड में दिख करके न्यू वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल की डिज़ाइन को फैंस के सामने रिवील कर दिया है। अब काफ़ी सारे सुपरस्टार की निगाहें उस टाइटल पर आके टिक चुकी हैं, क्योंकि भाई रोमन रेंस पे जो टाइटल हैं वो तो उनसे कोई छीन नहीं पा रहा है। अब WWE ने एक नई अपॉर्चुनिटी दी है काफ़ी सारे सुपरस्टार को कि भाई ये है नया टाइटल, आओ और इसको ग्रैब कर लो। अब देखना इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगा कि कौन नया चैंपियन बनता है। सेथ रॉलिंस ने भी इस चैंपियनशिप के बारे में बात करी, ऑस्टिन थ्योरी ने इस चैंपियनशिप के बारे में बात करी, फिन बैलर भी इस चैंपियनशिप को देखते हुए स्पॉट करे गए थे। अब जैसे ही ट्रिपल एच ने न्यू वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल की डिजाइन को रिवील करा, लोगन पॉल अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे, उन्होंने मोबाइल से उसकी फोटो खींची और अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करी। उन्होंने आई वाली इमोजी पोस्ट करी और ट्रिपल एच को टैग कराया। आप लोगों को बता दूं काफी ज्यादा उन्होंने रूमर्स या यूं कहूं काफी ज्यादा उन्होंने चीजों को गर्म कर दिया है। वजह यह है क्योंकि कुछ टाइम पहले लोगन पॉल ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करा है। उन्होंने ये बोला था कि मुझे अगर प्रॉमिस नहीं करा जाता कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करता। तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई लोगन पॉल ही न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हो, क्योंकि ट्रिपल एच ने ये भी अनाउंस करा है कि न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हमें नाइट ऑफ चैंपियन में देखने को मिलेगा। तो लोगन पॉल का अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के लास्ट अपीयरेंस की, तो वहां पे उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट काफी ज्यादा चीयर मिला था फैंस से। तो कहीं ऐसा तो नहीं WWE लोगन पॉल के साथ मिलकर कुछ खेल करने वाली है। अब बात कर लेते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के बारे में। आज हुए रॉ के एपिसोड में केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के बीच में जो कुछ दिखा उसके बाद कहीं ना कहीं WWE ने दोनों के बीच ब्रेकअप भी टीज कर दिया है। आप लोगों को याद हो तो मैंने रेसल में 39 से पहले एक रिपोर्ट्स कवर करी थी एक वीडियो में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि WWE बेशक केविन ओवंस और सैमी ज़ेन को साथ ला रही है, चैंपियन भी बनाएगी, लेकिन इन दोनों का जो टैग टीम है वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होगी, वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होगी, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए दोनों ये साथ आने आएंगे। अब आपको बता दूं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें केविन ओवंस सैमी ज़ेन वर्सेस उसोस के बीच रेसलमेनिया 39 का रीमैच देखने को मिलने वाला है, जहां पे कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये वही एपिसोड है जहां पे हमें ड्राफ्ट भी देखने को मिलने वाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं केविन ओवंस और सैमी ज़ेन टाइटल हार जाएंगे आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। वजह साफ है, बैकलैश के बाद नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू होने वाला है जो कि सऊदी अरेबिया में होगा, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है। अब आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता भी चुका हूं कि सैमी ज़ेन और केविन ओवंस सऊदी अरेबिया के इवेंट्स में नहीं जाते हैं, तो कहीं WWE इन दोनों को नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू या यूं कहूं सऊदी अरेबिया जाने से पहले टाइटल हराने तो नहीं वाले हैं। और जैसे ही शायद ये दोनों टाइटल हारेंगे तो हो सकता है कि केविन ओवंस सैमी ज़ेन पे टर्न कर जाए। इस बात को जिम्मी उसो ने भी बैकस्टेज से सैमी ज़ेन से कहा था। उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें यूज कर रहा है, जैसे ही तुम दोनों टाइटल हारोगे वो तुम पे टर्न कर जाएगा। अब देखना ये होगा कि वाकई केविन ओवंस और सैमी ज़ेन एक टेम्पररी टैग टीम के तौर पर सामने आई थी रेसलमेनिया 39 से पहले और जल्दी उसको WWE एंड करती है या नहीं। अब बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स और बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि WWE ने कॉडी रूड्स और ब्रॉक लेसनर के बीच बैकलैश में मैच अनाउंस कर दिया, वहीं बताया जा रहा है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही मानिए कि ये इन दोनों के बीच जो मैच होने वाला है वो मेन इवेंट मैच होगा बैकलैश पेपर व्यू का। अब वहीं आपको बता दूं WWE ने नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड के लिए ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी अनाउंस कर दिया है। अब आपको बता दूं रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही हैं जो कि दावे कर रहे हैं कि कॉडी रूड्स और ब्रॉक लेसनर के बीच बैकलैश में जो मैच होगा उसकी एंडिंग काफ़ी
बैंगर होने वाली है। अब आप लोग कहेंगे बैंगर से मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कुछ हमें बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे कि रिंग टूटना, रिंग उठा देना। अब अगर आप लोगों को याद हो तो समर स्लेम में रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के मैच में ब्रॉक लेसनर ने ट्रैक्टर से रिंग को उठा दिया था, रिंग ही पूरी उखाड़ के फेंक दी थी। तो ऐसा ही कुछ WWE प्लान कर रही है कॉडी रूड्स और ब्रॉक लेसनर के बीच मैच में, जो कि शायद हमें बैकलैश में होता हुआ दिखाई देगा। अगर वाकई इन दोनों के बीच ऐसा कोई मूवमेंट दिखता है तो वाकई मजेदार मूवमेंट होगा, क्योंकि काफी टाइम बाद इस तरह का मूवमेंट ब्रॉक लेसनर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं AEW सुपरस्टार, फॉर्मर WWE सुपरस्टार CM Punk के बारे में। आज CM Punk को बैकस्टेज रॉ पर स्पॉट करा गया, वहीं पार्किंग एरिया में भी उनको स्पॉट करा गया। पहले ये जब न्यूज़ आई तो मुझे लगा यार ये शायद एवं ही किसी ने चला दिए, रूमर्स हैं ये, लेकिन जब वीडियो सामने आई तो उसमें क्लियर हो गया कि हाँ भाई CM Punk आज जहाँ रॉ हुई थी वहाँ पर स्पॉट करे गए हैं। अब आपको बता दूँ रॉ आज की शिकागो में हुई थी और CM Punk का होम टाउन शिकागो ही है। अब देखिए 2014 में WWE ने CM Punk को कंपनी से फायर कर दिया था, अब चल रही है 2023, यानी कि 9 साल लंबे ड्यूरेशन में CM Punk WWE के किसी शो वगैरह के आसपास दिखाई दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 9 साल में पहली बार WWE का कोई शो शिकागो में हुआ है, इससे पहले भी काफी सारे शो शिकागो में हो चुके हैं, लेकिन CM Punk कभी भी इस तरह से स्पॉट नहीं करे गए हैं। वहीं आपको बता दूं जो वीडियो आई है सामने उसमें CM Punk WWE सुपरस्टार टमीना से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं रूमर्स इस तरह के भी हैं, रिपोर्ट्स करे गए हैं कि वो मिच से भी मिले हैं और मिच से जो उनका भी सोशल मीडिया पे कुछ इश्यूज वगैरह चले थे उसको लेकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि CM Punk ने ट्रिपल एच से एक ब्रीफ मीट भी करी है। अब ये कितना सच है कितना नहीं है वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। वहीं जैसे ये चीज़ें विंस मैकमैन तक पहुंची कि भाई CM Punk बैक स्टेज मौजूद हैं, तो उन्होंने तुरंत CM Punk को वहां से जाने के लिए ऑर्डर दे दिया। सिक्योरिटी पर्सनल ने CM Punk को वहां से जाने को कहा और उन्होंने कहा कि भैया एरिना वगैरह छोड़ो और यहां से निकलो। अब देखिए इसके पीछे कुछ वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि CM Punk अभी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के क्लॉज होते हैं कि जब आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आप दूसरी कंपनी में नहीं दिखाई दे सकते जब तक कि आपको वो कंपनी परमिशन नहीं देती जिसके आप पार्ट हैं या जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो शायद विंस मैकमैन को ये लगा होगा कि AEW कहीं कुछ एक्शन ना ले ले CM Punk के WWE में दिखने को लेकर के, तो इसी वजह से CM Punk को वहां से जाने के लिए कह दिया। अब देखिए इसके मायने बहुत हो सकते हैं, फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर वाकई CM Punk WWE में रिटर्न कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग डिसीजन होगा ट्रिपल एच का, क्योंकि CM Punk और WWE के बीच में जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है और CM Punk का नाम ही मतलब कंट्रोवर्सी है। WWE में वो कंट्रोवर्सी कर चुके हैं, AEW में उन्होंने किस तरह की कंट्रोवर्सी करी ये सब हम देख चुके हैं। अब टाइम का इंतजार करते हैं, देखते हैं CM Punk वाकई WWE में आते हैं या वो शिकागो में रॉ हुई थी इसलिए वो आके किसी से मिले हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से। अब देखते हैं इसके क्या मायने होते हैं। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहां तक देखते हुए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो फटाक से लाइक करो। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।